का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गए, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, दो तीन बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में गुरुजी ने बताया है जो उपाय, जिसे अगर किसी को चर्म रोग या कोई बीमारी हो गई है तो पूर्णिमा के दिन, अभी तो पूर्णिमा नहीं है लेकिन 26 तारीख को जो पूर्णिमा है इसी महीने में 26 नवंबर को, तो आप ये उपाय अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।